को हम जोधपुर ले चलते हैं, जहाँ पर तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आईडेक्स 24 उसका उद्घाटन कर रहे हैं रक्षा मंत्री। क्या होगा कि जब भी हम पूजा पाठ और आराधना करते हैं तो हम ईश्वर से अपने लिए शक्ति की भी कामना करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए शक्ति एक दैवीय गुण है और जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए मुझे यह लगता है कि साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। साथियों, तरंग शक्ति का जो अर्थ हुआ यानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के माध्यम से मॉडर्न कम्बैट में वायु शक्ति का प्रदर्शन, उसका आप लोगों ने यहाँ उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोगों ने इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाकई है टच द स्काई विद ग्लोरी और आप सभी ने सही मायने में इसके अनुरूप अपना शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए पुनः एक बार आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, मुझे बताया गया है कि तरंग शक्ति का आयोजन दो चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण का आयोजन सुलूर में किया गया तो इसका दूसरा चरण जोधपुर में यह आयोजित हो रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर कोई एक्सरसाइज होती है तो उसमें भाग लेने वाले देश एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर जब कोई एक्सरसाइज होती है तो अलग अलग वॉर कल्चर, अलग अलग एयर कॉम्बैट एक्सपीरियंस तथा वार फाइटिंग प्रिंसिपल्स वाले सैनिक आपस में बहुत कुछ सीखते भी हैं। एक दूसरे से सीखने का क्या महत्व होता है उस पर अधिक बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। पूरे मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर यदि आप देखें तो पाएंगे कि सीखते रहने के क्रम में ही सभ्यताओं का भी, सिविलाइजेशन का भी विकास हुआ है। आम नागरिक हो या सेनाएं, वे या तो अपने अनुभव से सीखती हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखती हैं। हम हर चीज केवल अपने जीवन के अनुभव से ही सीखें यह कोई बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए अपने साथ के लोगों या अपने साथी राष्ट्रों से सीखना हमारी प्रोग्रेस के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। साथियों, सेनाओं के संदर्भ में, खासकर वायुसेना के संदर्भ में तो यह बात और अधिक लागू होती है। इंडियन एयरफोर्स या किसी भी देश की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स होती है और टेक्नोलॉजी आज के समय में किस रफ्तार से बदल रही है आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। ऐसे रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो में कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना आज की यह जरूरत है और तरंग शक्ति के माध्यम से आप सभी इस दिशा में मजबूत पंखों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा देश भारत को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आज का यह लैंडमार्क इवेंट जहां एक और इंडियन एयरफोर्स की अब तक की ग्रैंड अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का अवसर है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी वायुसेना की अब तक की यात्रा को भी याद करने का एक अवसर देता है। आज हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि हमारी आर्म फोर्सेस दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेस में एक आज मानी जाती है। 1947 में हम आजाद हुए, मुझे बताया गया कि उस समय यानी बंटवारे के बाद हमारी एयरफोर्स के पास सिर्फ दो प्रकार के विमान महज सिक्स स्क्वाड्रन थे और इसी प्रकार युद्ध के बाकी साजो सामान भी बड़े पुराने और गिनी चुनी मात्रा में थे। पर आज दुनिया भर के श्रेष्ठ और मॉडर्न एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, इसलिए पुनः मैं अपनी इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में
सिर्फ एक इम्पोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। साथियों, आज जो प्रदर्शन हमारी एयरफोर्स ने किया है, उस प्रदर्शन को मैं महज एयरफोर्स के प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं देखता हूं। जो एयरक्राफ्ट हमारी नजरों के सामने आसमान चूम रहे थे, उन्हें मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की उड़ान के रूप में ही नहीं देखता हूं, बल्कि मैं उन्हें इंटायर एरोस्पेस इंडस्ट्री के उड़ान के रूप में उसे मैं देखता हूं। यह जो उड़ान आज हम सब लोगों ने देखी है, इसमें हमने देखा कि एक मजबूत इंजन है जो एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाने के पीछे हमारे एयर वैरियर्स की डेडिकेशन के साथ साथ ना जाने कितने इंजीनियर्स की नॉलेज लगी है, ना जाने कितने साइंटिस्ट का विजन है, ना जाने कितने टेक्नीशियंस की इसमें मेहनत लगी है, ना जाने कितनी एकेडमिया और रिसर्चर्स की स्टडी और रिसर्च लगी है। यानी उड़ान के पीछे के असली इंजन ये सभी लोग हैं। साथियों, इंडियन एयरफोर्स रक्षा और सुरक्षा के मामले में तो पायनियर है ही, इसमें तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सब इकॉनमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनडायरेक्टली आपके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन जुड़ी है, जिससे देश में न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बल्कि इन सब के चलते देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होता है। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज भारत अपनी जरूरतों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अनेक विदेशी इक्विपमेंट के पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की शेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन एक ज्वाइंट वेंचर के तहत हाई पावर इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इस ज्वाइंट वेंचर को सफल नाम दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ नाम ही सफल नहीं है, बल्कि यह ज्वाइंट वेंचर अपने प्रयासों में भी सफल होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी यह मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार अनेक फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक प्रोजेक्ट्स पर हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, तरंग शक्ति जैसी एक्सरसाइज का अपना एक टैक्टिकल इम्पॉर्टेंस तो होता ही है, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मैं इसे देशों के बीच के आपसी सहयोग, तालमेल और विश्वास में बढ़ोतरी के माध्यम के रूप में देखता हूँ। ऐसे इवेंट्स हमारे और हमारी पार्टनर कंट्रीज के बीच फेथ इन्हांस करते हैं, उनके बीच यह भरोसा जगाते हैं, जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। तरंग शक्ति के माध्यम से हमने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है। साथियों, आज हमारे बीच कई सारी फ्रेंडली फॉरेन डिग्निटी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भारत आए हैं तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है।